नाम से चर्चित दहे दशरथ मांझी ने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली थी। ऐसे ही सरगुजा में एक गांव के लोग भी करते नजर आ रहे हैं। शासन की अनदेखी के शिकायत गांव के लोग पहाड़ पर रास्ता बनाकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने की दूरी कम कर रहे हैं। सरगुजा के कदनई गांव के लोग मंत्री, नेता, कलेक्टर और दरवाजे के चक्कर लगा लगा के उनके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब ये लोग खुद ही श्रम करके अपने गांव से ब्लॉक मुख्यालय की दूरी कम करने के लिए सड़क बनाने में जुट गए हैं। दरअसल मैनपाट पहाड़ के नीचे बसे गांव के लोगों को वर्षों से ब्लॉक मुख्यालय तक जाने के लिए करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन पहाड़ी रास्ते से ये दूरी महज 20 किलोमीटर ही हो जाती है। लिहाजा गांव के लोग खुद से उस पहाड़ के सीने पर सड़क बनाने को मजबूर हैं। सर, हम लोग 300 से ऊपर आदमी बनाते हैं और करीब बना होगा 1.5 किलोमीटर जंगल को, खुद गाँव लोग हम लोग बना रहे हैं अपने आने जाने की सुविधा, ताकि इधर पुलिया भी नहीं है बतौली तरफ। कमलेश्वरपुर जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, इसमें नवानगर पूरी होते हुए घूम के जाना पड़ता है। किलोमीटर है यहाँ से? 60-70 किलोमीटर पड़ता है और इसमें है तो 20-25 किलोमीटर पड़ता है 60 का। तो हमला मने आना जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ, न पुल है न सड़क है। या तो मैनपाट की तरफ से आइए, नहीं तो फिर नदी क्रॉस करके जाइए, तो दो ऑप्शन है उसका। तो जब भी हम कोई बैठक करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो करदना में करते हैं, करदना में करने के लोग आ जाते हैं उस गांव में। पहुँचे हैं हम भी, कई बार गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वो बजट में जाएगा, करोड़ों में उसके। अधिक जानकारी के साथ रामकुमार हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। रामकुमार, यहाँ पर कदने ये गांव है, इस गांव को क्यों जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो देखना नहीं चाहते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं? यहाँ पर प्रशासन और सरकार, शासन की कोई भी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यहाँ पर जो ग्रामीण है वो खुद ही बीड़ा उठा के सड़क का निर्माण कर रहे हैं, उस पहाड़ को काट रहे हैं और सड़क बना रहे हैं खुद ही श्रम करके, ये हालात क्यों? बता दो पहले आपको, ये जो कदरई गांव है ये पहाड़ के एकदम गहराई में बसा हुआ गांव है, जहां हजारों की संख्या में जो लोग रह रहे, निवास कर रहे हैं, पर यहां तक कोई सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग जो हैं फरियाद कर करके बड़े अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कह करके परेशान हो गए हैं। और जी राजकुमार, यहां पर जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तक भारत आजाद हुए तो 70 साल के तकरीबन हो गए हैं, लेकिन क्या अभी 70 साल और लगेगा इस गांव को विकास पहुंचने में? उनका कहना यह है, जो जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, उनका कहना यह है कि पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार रही है, अभी हम आए हैं सत्ता में और इस पर जो है अमल कर रहे हैं। जो अगला बजट आएगा इसमें करोड़ों का लागत आएगा, उनका कहना है अगला बजट में इसको फाइनल करके तत्काल इस पर काम करेंगे और इस पर सड़क का निर्माण कराएंगे। चलिए, मतलब एक तरीके के टालने की बात कही, बजट आएगा उसके बाद यहाँ पे निर्माण होगा। चलिए अगला बजट सत्र भी देख लेते हैं कि वहां पर जब बजट आएगा तो उसके बाद इस गांव की हालत सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।